एक कटोरी चना दाल लिया है, इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका पानी हटा करके हम इसे बारीक पीस लेंगे। मिक्सी का छोटे वाले जार में मैंने पीसा है, इसे पीस लीजिए अच्छी तरह से। आज बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी चना दाल की रेसिपी। एक प्याज ले लिया है, इसे बारीक काट लिया है। कढ़ाई में हमने तेल लिया है, अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और जो हमने ये पेस्ट बनाकर रखा है चना दाल का, इस पेस्ट में हमने थोड़ा नमक भी मिक्स किया था। अब इसकी छोटी छोटी सी हम पकौड़ियों की तरह तल लेंगे। बहुत बड़ी नहीं तलनी है, छोटी बनाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं, और इन्हें मीडियम आंच पे तल लेंगे। चना दाल सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, कहते भी हैं खाए चना रहे घना। तो चना दाल की इस तरह से पकौड़ी बना के आप सब्ज़ी बनाएंगे, हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी लगेगी। तो यही हम आज बना रहे हैं, और इसमें बहुत ही कम सामान का यूज़ हुआ है, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी है। आप चाहे तो इन पकौड़ियों को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं बिना तले भी, तो भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। कढ़ी कुछ कढ़ी की तरह होती है ये सब्ज़ी, लेकिन स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, ये हमने पकौड़ियाँ तल ली है, इन्हें गर्म पानी में डालकर रख देंगे। और फिर कढ़ाई में से सारा तेल निकाल दिया है, सिर्फ 1 चम्मच तेल में हम हींग डालेंगे चुटकी भर, और जो हमने प्याज काट कर रखा था वो प्याज डाल देंगे। और 1/2 चम्मच के करीब हमने डाला है हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच ही लहसुन और मिर्च का पेस्ट जो हमने पीस करके रखा है वो हमने डाल दिया इसमें, और इसे अच्छी तरह से भुन जाने देंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हमने पूरी जो 1 कटोरी चना दाल पीसी थी उसमें से हमने थोड़ी बचा ली थी, लगभग 1/4 कटोरी के करीब। अब उसमें हम मिक्स कर लेंगे पानी इस पीसी हुई चना दाल में, और बस इसी पानी को हम कहाँ मिक्स करेंगे, अपना जो हमने ये मसाला तैयार किया है कढ़ाई में, उसी कढ़ाई वाले मसाले में ये चना दाल का पानी पूरा मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे ये अच्छी तरह से पकने देंगे। और भी मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर एक बार विज़िट करें, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी जानकारी भरी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे हैं। तो इस तरह से आप आइए ज़रूर। और इसमें हमने मिलाया है सेंधा नमक, जो कि हेल्थ के लिए आपके बहुत ही बेनिफिट होता है, फ़ायदेमंद होता है। सेंधा नमक डाल दिया, और अब हमने जो पकौड़ियाँ रखी थी पानी में भिगो के, वो सारी पकौड़ियाँ हम इसमें डाल देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाएगी, और हमारी सब्ज़ी, ये आप इसे सब्ज़ी भी कह सकते हैं या चना दाल की, जो भी कहना चाहें आप, पर मुझे तो ये बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसे आप गर्मा गर्म रोटियों के साथ स्वाद लीजिए या राइस के साथ। मैं इसे रोटियों के साथ बना रखा है, आप गर्मा गर्म फुलके सेकिए और इसके साथ इसका स्वाद लीजिए। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। धन्यवाद।